हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में जो 26,000 या 29,000 जो भी समझो आप की जो वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसके रिगार्डिंग एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, तो मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख मांग लेता हूं। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देना है आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों और सहेलियों तक। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं कुछ अपडेट बता दूं, जिनका टैट नहीं हुआ है यानी कि जिन्होंने झारखंड टैट पास नहीं किया है। एक्चुअली झारखंड टैट हुआ ही नहीं तो आप पास कहाँ से करोगे, तो उसके बारे में बता दें। तो झारखंड टैट के जो अधिकारीगण थे, जो प्रशिक्षण संघ के लोग थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव, इनको बुलाया गया था अपने चाय पे। इन्होंने बुलाया था हमारे शिक्षा मंत्री, 10th पास और 12th फेल इन्होंने बुलाया अपने यहाँ, और इन्होंने फिर से वही रटी रटाई बात दोहराई कि आप लोगों को मैं क्यों लूँ, मेरे पास तो 1,00,000 पहले से ही, 1,00,000 जो है पहले से ही क्या है, JTET पास अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें मैं रोज़गार दूंगा। इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि नए लोगों को ये लेंगे। और फिर जो जो भी पदाधिकारी गए हुए थे प्रशिक्षण संघ की ओर से, उन्होंने सारी बातें समझाने की कोशिश करी कि NCT के तरफ से ऐसी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा आपको, यहाँ पे JTET नहीं हो रहा है, हर साल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिहारी हो क्या तुम लोग, तो अब बताइए, झारखंडी को भी बिहारी कहा जाता है और बिहारी को ये सीधे नौकरी दे देते हैं, तो ऐसे मूर्ख मंत्री को क्या ही कहा जा सकता है। देखिए डेवलपमेंट क्या हुई है और बातें जो ऑफिशियल आई है। एक्चुअली झारखंड में जो पारा टीचर हैं जिन्होंने टैट पास कर लिया है, उनका विरोध हो रहा है, वो विरोध कर रहे हैं मंत्री का, क्योंकि उन्हें जो है वेतनमान ठीक ठाक नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा जो सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। तो देखिए ये नियुक्ति नियमावली को लेकर जो है गए, और इनका क्या कहना था वो मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे पार्टीज यहाँ पे मिलने के लिए गए थे शिक्षा मंत्री से। तो देखिए पहला पार्टी जो था, जो JTET 2016 पास कैंडिडेट है, ये गए, और दूसरी तरफ से पारा टीचर के जो प्रतिनिधि थे वो मिलने के लिए गए। तो JTET 2016 वाले का सिर्फ एक ही कहना है मंत्री जी की तरह, वो भी रटे हुए तोता की तरह एक ही बात बोलते हैं कि एक परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। जिन्होंने JTET 16 पास किया उनको डायरेक्ट जॉब दे दीजिए। तो समझ सकते हो JTET 2016 वाले कितने मूर्ख लोग हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है और वो जो परीक्षा होती है ना एग्ज़ाम, उससे डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका क्या औकात है, इसलिए ये चीज़ें हो रही है, वो डायरेक्ट जॉब चाहते हैं। और जो पारा टीचर हैं जिन्होंने टैट पास किया है, उनका कहना है कि उन्हें क्यों परीक्षा देनी चाहिए, वो तो टैट पास हैं, पारा टीचर हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनके वेतन में बढ़ोतरी हो और बिना कोई एग्ज़ाम दिए उनको जो है आकलन परीक्षा लिए बिना भी उन्हें जो है सेवा में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दी जाए। और एक बार इन्होंने क्या कहा देखिए, इनका कहना है कि जो सचिव है अभी शिक्षा सचिव, ये बाहर कहीं गए हुए हैं, वो लौटेंगे तो फिर से ये बैठकर जो भी त्रुटियां हैं उसका निराकरण किया जाएगा। आपको पता ही है हेमंत सोरेन और इनके जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, ये कभी भी जब भी ये फाइल जाती है इनके पास तो 1-2 साल से पहले ये काम करते नहीं है। तो खैर देखते हैं इस मसले पे कितना समय लगेगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीने के बाद ही कोई नई डेवलपमेंट ये सामने लाएंगे, क्योंकि एक बार फाइल शिक्षा विभाग में चली गई तो स्कूली साक्षरता विभाग के जो भी शिक्षा सचिव के साथ लोग बैठेंगे और वहाँ से डिसीजन फिर से बाहर निकलेगी, फिर कैबिनेट में बैठक होगा और वहाँ से पारित होगा। तो अभी भी वो बोलते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, तो कुल मिलाकर आप तैयारी करते रहिए। लास्ट में जाते समय आप लोगों को एक बार और बात बता दूं कि JTET 2012 और 16 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप परचेज करना चाहते हैं, हाँ कुछ लोग बोल रहे थे गूगल पे मिल जाता है, तो भाई डाउनलोड कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो, और डाउनलोड होके मिल जाए तो मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भी भेज देना। मुझे पता है गूगल पे ये नहीं है, और JTET के लिए जो 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है 2012 और 2016, इसके पेपर आप 70 रुपीज़ में मुझसे परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। पेपर मिल जाए तो मुझे भी ज़रा शेयर करना, जो कमेंट बॉक्स में आते हैं वो बोलने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।